का तो मैं हूँ एडवोकेट मोमना सिंह, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा थर्ड चैप्टर है और थर्ड लेक्चर है रिमांड के टॉपिक पे। और इसके अंदर दो अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी कि एक मजिस्ट्रेट को रिमांड देते हुए किन बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखना चाहिए, और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि खवातीन का रिमांड किस तरह से लिया जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार इस सिलसिला में क्या होता है। तो ये इस रिमांड सीरीज का थर्ड लेक्चर है मेरा। इससे पहले दो पार्ट्स जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि रिमांड मंजूर करते वक्त एक मजिस्ट्रेट की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। जिस तरह के मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो में शेयर किया था जो कि रिमांड से मुतल्लिक थी, कि मजिस्ट्रेट ने जब रिमांड देना है पुलिस को तो वो इतना अहम मामला है कि वो आसानी से उस रिमांड को नहीं दे सकता पुलिस को दोबारा। और हाई कोर्ट की हदायत ये है कि पुलिस रिमांड की बजाय जुडिशियल रिमांड की तरफ मूव ऑन किया जाए। लेकिन अगर फिर भी सूरत हाल इस तरह की है कि जिसमें पुलिस को दोबारा से रिमांड देने की ज़रूरत महसूस हो रही है अदालत को भी, तो इस सिलसिला में उसने मंदरजा जैसी चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना है। सबसे पहले इसका है कि रिमांड का हुक्म खुली अदालत में दिया जाए, यानी कि ओपन कोर्ट के अंदर जो है वो रिमांड का हुक्म दिया गया हो। नंबर दो, रिमांड देने से पहले मजिस्ट्रेट पुलिस की लिखी हुई जिमनियों की पड़ताल करे और इस बात का इत्मीनान करे कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए माकूल और ठोस वजूहत जिमनी में मौजूद है। कि सबसे पहले जो चीज़ बताई गई है कि वो आपने ओपन कोर्ट के अंदर रिमांड का हुक्म करना है। दूसरी बात यह है कि पुलिस जो जिमनियाँ हैं उसकी छानबीन जरूर की जाए और ये देखा जाए कि जिस शख्स को पकड़ा है आया कि उसके अगेंस्ट ठोस शवाहद मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। नंबर तीन, मुलजिम या उसके वकील या दोस्त रिश्तेदारों के एतराजात की समाअत की जाए, इन एतराजात को लिखा जाए और इन वजूहत को भी लिखे जिनकी बिना पर वो जिस्मानी रिमांड लेना कानूनन जरूरी समझता है। कि इसमें ये चीज़ है कि हमें पता है कि जब रिमांड के लिए एक शख्स को रखा जाता है तो ना सिर्फ मजिस्ट्रेट को पुलिस की जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ मजिस्ट्रेट को आगाह करेगी बल्कि उसके जो रिश्तेदार हैं जो कारीब हैं उनको भी आगाह किया जाएगा। तो इसी तरह से ये बात बताई है कि मुलजिम या उसके वकील या रिश्तेदारों के एतराजात की वजाहत की जाए। ठीक है, अगर मुलजिम ने खुद एतराजात किए हैं तो भी, अगर उसकी तरफ से कोई वकील लिया गया है उसके एतराजात को देखा जाए, अगर रिश्तेदारों की तरफ से एतराजात है उनको भी कंसीडर किया जाए और इन एतराजात को लिखा जाएगा और इनकी वजूहत भी लिखेगा कि जिनके बिना पर जिस्मानी रिमांड लेना कानूनन जरूरी समझा गया। उसके बाद हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर फोर, मजिस्ट्रेट का फर्ज है कि मुलजिम से पूछे कि आया के उस पर तशद्दुद तो नहीं किया गया, और अगर वो तशद्दुद की शिकायत करे तो इसका बाकायदा तौर पर डॉक्टरी मुलाहिजा या मुआयना करवाया जाए। ये डॉक्टरी मुआयना मेडिकल बोर्ड करेगा, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, और उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि तशद्दुद किया गया है पुलिस की तरफ से। तो ये ज़रूरी है के इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाए। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि मुजरिम को गिरफ्तार होते हुए जमानत की दरख्वास्त देने का हक हासिल होता है। ये भी आपने माइंड में रखनी है कि जमानत की दरख्वास्त देने का हक हासिल होता है। इसलिए लोगों में यह गलतफहमी दूर करने की जरूरत है कि रिमांड की मुद्दत जब तक खत्म ना हो जमानत नहीं हो सकती। अगेन नोटिसेबल पॉइंट यहाँ पर है कि लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि अगर रिमांड शुरू हो गया तो इसमें जमानत का कोई जो है वो मामला नहीं किया जा सकता, तो वो गलत है। वो कहते हैं कि जमानत जो है वो उसके अंदर भी ली जा सकती है। सादा सी बात है कि जब मुजरिम गिरफ्तारी से पहले कबल गिरफ्तारी जमानत करवाने का हकदार है तो वो गिरफ्तारी के बाद वो हक क्यों कर छीना जा सकता है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करना अदालत का, वकला का और पुलिस का फर्ज है ताकि इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके और माशरा सही खतूत पर उस्तवार हो सके। तो ये चीज़ आपके बिल्कुल सामने है के ये हकूक जो हैं वो एक गिरफ्तार शख्स को भी हासिल हैं, के रिमांड के दौरान जो हकूक दिए गए हैं वो भी आपके सामने हैं, फिर मजिस्ट्रेट को जो जिम्मेदारियां बताई गई हैं कि अगर उसने जिस्मानी रिमांड दे ही दी है तो उसमें उसको किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, और एक गिरफ्तार शख्स के हकूक क्या हो सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे अहम पॉइंट की तरफ कि खवातीन का रिमांड लेते हुए किन बुनियादों को मद्देनजर रखा जाता है। नंबर एक, गिरफ्तार खवातीन की तफ्तीश मुलजमा के दो मर्द और एक खातून रिश्तेदार के सामने और मौजूदगी में की जाएगी या मौजूदीन इलाका के रूबरू तफ्तीश की जाएगी। अब तफ्तीश का तरीकाकार भी ये है
के मुजुमा के दो मर्द और एक खातून जो है वो उसके जो मौजूदगी है उसके अंदर उसकी तफ्तीश की जाएगी, या अगर वो मौजूद ना हो तो जहां वो रहती थी उस इलाके के मुअज्जिन की मौजूदगी में। नंबर दो, खवातीन की गिरफ्तारी के बारे में स्पेशल रिपोर्ट सुर्ख लफाफा में अफसराने बाला को भिजवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी अहम, कि खवातीन की गिरफ्तारी के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को हम जिस रिपोर्ट नहीं कहते बल्कि एक स्पेशल रिपोर्ट कहा जाता है, और वो किस तरह से सामने पेश की जाती है या किस तरह से उसको जो है वो अफसराने बाला तक भिजवाया जाएगा, तो एक सुर्ख लफाफे में। नंबर तीन, अगर रिमांड जिस्मानी के लिए खातून मुजमा को अदालत में पेश करना मकसूद हो तो गजटेड ऑफिसर पेश करने का पाबंद है। ठीक है, मतलब ये कि उसको जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश कर रहे हैं तो उसके लिए गजटेड ऑफिसर का होना जरूरी है। नंबर फोर, अगर खातून मुलजमा को हिरासत में रखना मकसूद हो तो जनाना हवालात में रखा जाएगा ताकि हयादारी और पर्दादारी का ख्याल रखा जाए। ठीक है, यानी कि खवातीन के लिए जो जेलें होती हैं वो खवातीन की ही जेलें या जनाना हवालात जिसे कहा जाता है वो होती हैं, उनको मर्दों के साथ नहीं रखा जा सकता। उसके आगे आता है, अगर औरत मुलजमा को मौका की निशानदेही या शनाख्त के लिए किसी गाँव में ले जाना हो तो उस औरत के रिश्तेदार या नंबरदार या मस्जिद हमसाया औरत उसके साथ जाएगी। मतलब अगर वहां से कहीं जगह मूव करना है, किसी वजह की बुनियाद पर किसी तफ्तीश का कोई पॉइंट ऐसा है कि जिसमें जरूरत है, तो उसको अकेले नहीं मूव करवाया जा सकता बल्कि उसके साथ अगेन जिस तफ्तीश के लिए मर्दों की, दो मर्दों की और एक औरत की जरूरत होती है, इसी तरह औरत के रिश्तेदार की मौजूदगी में या जिस गाँव की तरफ मूव करवाया जा रहा है, ठीक है, नंबरदार ठीक है, ये हम साया औरत जो है वो उसके साथ होंगे। उसके बाद आता है कि जनाना पुलिस की मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। हमें ये नॉर्मली पता है कि एक लेडी को पकड़ने के लिए लेडी पुलिस की जरूरत ही होती है, उन्हीं को बुलाया जाता है। मर्द जो है वो खवातीन को अरेस्ट नहीं कर सकते। फौजदारी कानून में अब तरमीम की गई है। दफा 156 बी जाब्ता फौजदारी के तहत औरत मुलजमा इस्लामिक लॉ में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तफ्तीश मुकदमा करने का मजाज है। अब यहाँ पर यह बात भी थोड़ी जो है वो मद्देनजर रख लें और अपने दिमागों में बिठा लें कि 156 बी जाब्ता फौजदारी, इसके अंदर तरमीम की गई और इसमें ये चीज बताई गई कि औरत मुलजमा इस्लामिक लॉ में सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस तफ्तीश मुकदमा करने का मजाज है। यानी कि एक पोस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है कि इससे कम रैंक का शख्स जो है वो इस सिलसिले में जो है वो तफ्तीश करने का मजाज नहीं होगा। कम अज कम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का होना जो है, यानी कि एसपी का होना जो है वो जरूरी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था उसके अंदर हमने दो अहम पॉइंट्स का तذکرہ किया, कि एक मजिस्ट्रेट जब रिमांड दे देता है जिस्मानी रिमांड, तो वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देता है, और दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की वो ये है कि एक औरत जो है उसका रिमांड किस तरह से लिया जाता है, और प्लस उसमें ये भी बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार, मतलब औरत की तफ्तीश का तरीक़ाकार किस नवयत का होता है और उसमें क्या चीज़ें मद्देनजर रखी जाती हैं। होपफुली कि रिमांड के सिलसिले में आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो चुकी होगी। हमने अपने 3 लेक्चर इस टॉपिक पे प्रिपेयर किए और वो अपलोड भी हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, और इसका लिंक मैं अपने FB के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं, और इसके अलावा अपने फेसबुक पेज पे भी इसको अपलोड करूंगी। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।